आज टीवी में अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूँ पांच राज्यों की बड़ी खबरें। अब बढ़ेंगे एंटरटेनमेंट टैक्स, केबल सर्विस, मूवी टिकट, लोगों की परेशानियां बढ़ी। अब पी उद्योग जगत की समस्याओं के समाधान पर करेगा रिसर्च। SYL दादूपुर पर इनेलो का वॉकआउट, खेलकूद विश्वविद्यालय का रास्ता साफ। 1970 में चुनाव, 25 की उम्र में विधायक बनी थी सुषमा स्वराज। कार्यकर्ताओं की मांग, पंजाब में अकेले चुनाव लड़े भाजपा। समझौता एक्सप्रेस से फेंका हीरोइन से भरा बैग, दो पाकिस्तानी सिम भी बरामद। संसद में ओवैसी ने पूछा, हिमाचल में कब कृषि संपत्ति ले सकूंगा। अब 5वीं 8वीं में भी फेल होंगे विद्यार्थी, फैसलों पर भी लगेगी मुहर। सुषमा स्वराज के सम्मान में दिल्ली सरकार ने घोषित किया 2 दिन का राजकीय शोक। 18 दिन में 2 और 10 महीने में दिल्ली ने खो दिए अपने 3 मुख्यमंत्री। अब खबरें विस्तार से। शहरवासियों पर जल्द ही एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा। नगर निगम कमिश्नर ने मनोरंजन टैक्स लगाने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यह प्रस्ताव इस माह होने वाली सदन की बैठक में आएगा। 30 अगस्त को मेयर ने सदन की बैठक तय की है। ऐसे में मनोरंजन पर केवल सेवाओं, सिनेमा हॉल की टिकट, शहर में लगने वाले प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेलिब्रिटी स्टेज शो, पब, होटल और सर्कस पर लगेगा, जिससे इनकी टिकट भी महंगी हो जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी देश की अर्थव्यवस्था में अपने रिसर्च के बल पर मददगार की भूमिका निभाने की तैयारी में है। इसके लिए यूनिवर्सिटी विभिन्न इंडस्ट्री से जुड़े डाटा बेस तैयार कर रहा है। उसकी मदद से स्टूडेंट संबंधित उद्योग की समस्याओं के समाधान से जुड़े रिसर्च करेंगे। अकेडमी और इंडस्ट्री के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास होगा। यह बातें पंजाब यूनिवर्सिटी के VC प्रो राजकुमार ने मंगलवार को टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर की प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कहा। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन इनेलो ने एक बार फिर SYL और दादूपुर नलवी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन CM मनोहर लाल ने दोनों मुद्दों पर एक बार फिर अपना नजरिया साफ कर दिया, जिससे इनेलो विधायक अभय चौटाला नाराज हो गए और अपने विधायकों के साथ वॉकआउट कर गए। अम्बाला कैंट भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्रखर नेताओं में से एक सुषमा स्वराज के निधन की खबर सुनते ही अम्बाला वासियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ट्विटर पर लोगों की मदद के लिए मशहूर पर विदेश मंत्री स्वराज के राजनीतिक करियर की शुरुआत आपातकाल के दौरान ही हो गई थी, लेकिन राजनीति में उनकी एंट्री 1970 में तब हुई जब वह अम्बाला कैंट से विधायक चुनी गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव की घोषणा के समय उनकी 25 साल की उम्र भी पूरी नहीं हुई थी। ये यादें उनकी उंगली पकड़कर राजनीति की शुरुआत करने वाली वरिष्ठ भाजपा नेता कमल किशोर ने साझा की। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी नेतृत्व के समक्ष बार बार पंजाब में अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग उठाई जा रही है। सोमवार को जिला संगरूर के दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व जम्मू कश्मीर के प्रभारी अविनाश राय खत्रा के समक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं ने फिर से उक्त मुद्दा उठाया। पाकिस्तान से आई समझौता एक्सप्रेस के अंतिम डिब्बे से एक सफेद रंग की वर्दी पहने व्यक्ति ने हीरोइन से भरा बैग ट्रैक पर फेंक दिया। बैग को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। बैग की तलाशी के दौरान उसमें 3 किलो 42 ग्राम हीरोइन और 2 पाकिस्तानी सिम बरामद हुए। अमृतसर रेलवे पुलिस थाना ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सांसद असाउद्दीन ओवैसी ने संसद में चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि गृह मंत्री स्पष्ट करें कि वह कब हिमाचल में कृषि संपत्ति ले सकेंगे। ओवैसी ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि वह कब अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप जा सकेंगे। ओवैसी ने कहा कि सरकार पूरे उत्तर पूर्व को कॉर्पोरेट सेक्टर को देने जा रही है। बता दें कि धारा 118 के तहत हिमाचल में कृषक भूमि नहीं खरीदी जा सकती।
हिमाचल में 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी अगली कक्षा में जाने के लिए परीक्षा पास करनी होगी। शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रदेश सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है। देश के पूर्व विदेश मंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रखर वक्ता और ओजस्वी व्यक्तित्व की धनी सुषमा स्वराज का मंगलवार रात निधन हो गया। उनके अचानक निधन से पूरा देश स्तब्ध है। वह कुछ ऐसे नेताओं में शुमार है जिसे हर पार्टी से प्यार मिला है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने उनके सम्मान में राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को 2 दिवसीय शोक का ऐलान किया है। सुषमा स्वराज का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से एम्स में निधन हो गया था। पूर्व विदेश मंत्री और दिल्ली की पहली महिला सीएम रही सुषमा स्वराज का मंगलवार शाम दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रात 9 बजे उन्हें उचेतावस्था में एम्स लाया गया था, जहां 5 डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन के साथ ही दिल्ली वालों को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने ना सिर्फ 10 महीने के अंदर अपने 3 मुख्यमंत्री को खो दिया, बल्कि 18 दिन के भीतर अपनी 2 महिला मुख्यमंत्रियों को भी खो दिया। एक थी दिल्ली पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और दूसरी थी दिल्ली की सबसे सफलतम और 3 बार की सीएम शीला दीक्षित। तीसरे मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।